हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजरानास किचन। आज मैं आप सभी के साथ बैगन शिमला मिर्च मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और इसे आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे कि ये खाने में बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट लगेगी। आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए फिर टेस्टी और मजेदार बैगन शिमला मिर्च की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। बैगन शिमला मिर्च बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम बैगन लिए हैं, जिसे हमने अच्छी तरह से काट के धो लिया है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च भी लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अब ये हम इसके अंदर एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये आधा बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये आधा बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसके अंदर 3 बड़े चम्मच दही डालेंगे और ये आधा नींबू का रस। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। अब इसके अंदर हम एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 मीडियम साइज पिसा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है, ये बिल्कुल लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज पिसा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के घर के दूध की मलाई डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ बैगन और शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम इसे तेज आंच पे ही अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, यहाँ पे बैगन और शिमला मिर्च हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर ये 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे ढक के तेज आंच पे ही इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, बनके तैयार है हमारा टेस्टी और मजेदार बैगन शिमला मिर्च मसाला। चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बैगन शिमला मिर्च की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजरानास किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।